Hello guys, welcome or welcome back to my channel. My name is Anshika and if you are new here, please subscribe down below. Okay, so I'm making a video after a really long time. So please subscribe. Also, it's an haul. अभी तक जितने भी मैंने सारे हॉल्स डाले उन वो सारे हॉल्स का जो व्यू है बहुत हायर आया अभी तक, तो इसका भी मैं फिंगर्स क्रॉस यही होप कर रही हूँ कि इसका भी हाई जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली एवरीवन इज बाइंग जीन्स एंड आई एम मेकिंग द हॉल फॉर ओनली जीन्स फ्रॉम अर्बैनिक. ठीक है, अर्बैनिक बहुत ही ज़्यादा अब हाइप हो गया. मतलब जिन्होंने भी कभी भी H&M या कहीं भी क्रोम पे अगर वीडियो में मतलब कभी भी क्रोम पे या गूगल पे सर्च किया होगा तो उनके इंस्टाग्राम पे एड्स तो अर्बैनिक के आते ही होंगे, और उस पर हमेशा ना 1000 पे 100 ऑफ और 2000 पे 350 ऐसा कुछ ना कुछ ऑफर हमेशा ही रहता है. और मतलब वो आपका कूपन एक्सपायर होता है उसके बाद सेम कूपन वापस आपको मिल जाता है, तो वो अलग चीज़ है. बट ये सारी जो जीन्स है, आई गेस 7 to 8 जीन्स है मेरे पास, 7 to 8 प्रोडक्ट्स बोल रही हूँ, 7 to 8 चीज़ें हैं मेरे पास, जिसमें एक टी शर्ट है, एक फुल कोऑर्ड है और बाकी सारी जीन्स और एक क्लचर है. ठीक है, तो उन सब में ऑब्वियसली सब लोग जीन्स बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, और नॉट गोना लाई H&M फॉरएवर 21 ज़ारा ये सारी काफ़ी हाई प्राइजेस वाली जीन्स देते हैं, और अर्बैनिक पे ज़ारा उन सब के डूब्स ही होता है, और मीशो पे अर्बैनिक के भी डूब्स होते हैं, तो वो अलग पूरा सीन है. बट सो विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट प्रोडक्ट विच इज वन क्लचर फ्रॉम अर्बैनिक. सो दिस इज द क्लचर. ओके, वैसे डबल शेड में है ये क्लचर, इसका मैं क्लिप पूरा लगा दूंगी. एंड दिस क्लचर इज एक्चुअली रियली गुड, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, और इसका शेड और ये पूरा मैट है, दिस इज नॉट ग्लॉसी, दिस इज मैट टू. दिस इज अ रियली नाइस क्लचर, काफ़ी ज़्यादा मतलब स्टेडी है ये क्लचर, और शेड्स मतलब जो कलर्स है वो बहुत ही प्रिटी है. तो ऑब्वियसली जिसके सिर पे बाल हो और जिसके इसमें आ जाए, यू शुड बाय दिस. एंड दिस क्लचर वाज फॉर 99 रुपीज़. आई रोट द प्राइजेस ऑफ एवरीथिंग हियर. सो या ये 99, वैसे ये आई गेस इसका प्राइस एक्चुअल प्राइस आई डोंट नो, बट मुझे ये 99 में पड़ा है. बाकी मैं पूरा इसका जो भी होगा वो एक इधर लगा दूंगी, इसका एक्चुअल प्राइस क्या है और मुझे कितने में पड़ा और ये सब. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट एंड यू शुड बाय दिस. सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज विल स्टार्ट विथ टॉप टी शर्ट्स. ओके, सो अर्बैनिक का जो अभी थीम चल रहा है वो ऑरेंज कलर का ही है उसका भी आप लोगों, दैट्स व्हाई आई एम वेयरिंग ऑरेंज. द टी शर्ट इसके ऊपर लिखा हुआ है आइस्ड कॉफी एंड डॉग्स, जो ऑब्वियसली दिस इज दीज आर द टू थिंग्स आई रियली लाइक. इसमें कोई कलर नहीं था, दिस इज द ओनली पीस, दिस इज द ओनली कलर, एंड ये बहुत ओवर साइज है एज यू कैन सी ऑलरेडी. बहुत लूज है मुझे, बट ऑब्वियसली ओवर साइज कौन नहीं पहनता. ये सबसे छोटा साइज ऑर्डर किया था हमने, एंड इसका प्राइस है 711 रुपीज, विच इज अ लिटल कॉस्टली फॉर अ टी शर्ट आई गेस, बट इट्स वर्थ इट बिकॉज इट्स ऑब्वियसली आइस कॉफी एंड डॉग्स. तो ये 711 रुपीज का पड़ा था, एंड आई गेस इसका रियल प्राइस इज 790 और समथिंग, बट ऑब्वियसली इस पर हमेशा डिस्काउंट चलता है तो उसकी वजह से वो कम हो गया. सो दिस वॉज द ओनली थिंग जो टॉप्स टी शर्ट्स या अपर बॉडीज में आते हैं, तो या. एंड द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज अ कोऑर्ड. ओके, सो बहुत ही चल रही है ऐसे कोऑर्ड, मतलब इसके ऊपर इधर शेड पहन लेते हैं लोग एंड देन इट्स डन. सो द कोऑर्ड इज दिस, दिस इज द पजामा पैंट्स वट एवर यू कैन कॉल, लाइक लिटरली बहुत ही कम्फी है, वुलन है, काफ़ी वुलन है, तो अहमदाबाद के लिए तो बिल्कुल नहीं है. ऑब्वियसली गर्मी लगती है इसमें बहुत ज़्यादा. इसके ऊपर जो टॉप है वो क्रॉप टॉप है, फुल स्लीव्स है, बट आई डोंट नो ये सेंस ही नहीं बनता है इन चीज़ों का कि मतलब क्रॉप टॉप है एंड फुल है, मतलब मेरे को मेरे पेट पर तो ठंडी लगती नहीं है. दिस इज द अपर पार्ट ऑफ दैट कोऑर्ड, एंड
ऑब्वियसली दिस वॉज द लोअर पार्ट ऑफ द कोवर्ड. मैं इसका पूरा एक क्लिप लगा रही हूँ तो ऑब्वियसली यू कैन सी द होल थिंग टुगेदर. सो बहुत अच्छा है, बहुत वुलन है, लाइक लिटरली वुलन है. अगर आप जयपुर या नॉर्थ ईस्ट साइड रहते हो तो ऑब्वियसली यू कैन बाई दिस. दिस इज़ वेरी कम्फी. और इसके जो पॉकेट्स हैं बेसिक, मतलब इसके पॉकेट्स बहुत ज़्यादा लंबे हैं, लाइक एक्चुअली मेरा पूरा हाथ यहाँ तक जा सकता है उस पॉकेट के अंदर. सो पॉकेट्स बहुत अच्छा और लेंथ भी बहुत अच्छी है. ओके, सो आई टेल यू, आई एम 5'7". तो अगर मेरे को जीन्स में यही प्रॉब्लम रहती है कि अगर मेरे को जीन्स अच्छी भी लग जाती है तो अगर वो हाइट में प्रॉब्लम रहती है तो ऑब्वियसली आई हैव टू रिटर्न इट. सो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि लेंथ जीन्स का सही रहे. तो ये जो भी मैं प्रोडक्ट दिखा रही हूँ, इन सारी जीन्स की हाइट बहुत अच्छी है. सो यस, इसकी भी हाइट काफ़ी अच्छी है. मतलब मैं इसके नीचे अगर शूज़ भी पहन लेती हूँ, मतलब मेरे कॉन्वर्स अगर मैं पहन लेती हूँ इसके नीचे, तो भी मतलब ये थोड़ी नीचे टच हो सकती है. मुझे इसको काफ़ी ऊपर पहनना पड़ता है. एंड ऑब्वियसली दिस इज़ हाई वेस्ट. एवरी जीन्स इन दिस हॉल इज़ हाई वेस्ट बिकॉज वी डोंट सपोर्ट लुक अपर लाइक अ कोवर्ड, द ओनली कोवर्ड. एंड इसका प्राइस इज़ 1,404 rupees, विच इज़ लाइक रियली रियली गुड, बिकॉज इतने में तो कोवर नहीं आता है. इतना अच्छा, इतना कम्फर्टेबल और इतना लाइक लिटरली गर्म है, विंटर्स के लिए परफेक्ट है. सो यू हैव टू बाय इट. और इसमें भी कोई कलर्स नहीं थे, लाइक ब्लैक या ब्लू या कोई भी कलर नहीं थे, ये एक ही था कॉफी शेड. वेरी नाइस. सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ आजकल बहुत मतलब पेस्टल कलर्स बहुत चल रहे हैं. एवरीथिंग आई बॉट वन सेज ग्रीन पेस्टली कलर का जीन्स. काफ़ी अच्छा जीन्स था. मतलब उसका थोड़ा कपड़ा बोल सकते हो कि इतना अच्छा नहीं है कंपैरेटिवली, बिकॉज वो मतलब थाइस से थोड़ा सा, मतलब पतला थाइस से नहीं, मतलब पूरी जीन्स ही वैसे तो काफ़ी पतले कपड़े की है, पर उस मतलब ज़्यादा वॉश हो जाए, ज़्यादा कि चलने में आ जाए तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है. बट द लेंथ ऑफ द जीन्स इज रियली रियली नाइस. सो दिस इज द जीन्स. ओके, बहुत अच्छा जीन्स है. वेस्ट भी काफ़ी अच्छी है. बटन्स ज़िप, एवरीथिंग इज गुड. द लेंथ इज रियली गुड ऑफ दिस जीन्स. थोड़ी सी आई गेस थोड़ी सी श्रिंक हुई है धुलने के बाद एक दो बार में, ये मैंने नोटिस किया था. बिकॉज फर्स्ट टाइम आई बॉट दिस जीन्स, उसका पिक्चर ये रहा. एंड नाउ दिस जीन्स लाइक हाउ इट फिट्स, इसका पिक्चर या वीडियो ये रहा. सो या वैसे ये जीन्स अच्छी है, बट यही है कि इसके मतलब बहुत बार पहनने के बाद ना इसके जो ये इनर साइड का है, इसका सिलाई का प्रॉब्लम हो रहा है इसमें. आई डोंट नो वाई, बट थोड़े से धागे वागे भी निकलने लगे हैं एज यू कैन सी. और इतना टाइम नहीं हुआ है इसको, आई गेस जुलाई की ही जीन्स है ये. एंड आई गेस मेरे फेवरेट्स जो पिछला वीडियो था, फेवरेट्स वाला वीडियो, उसमें ऑलरेडी मैंने दिखाई है ये जीन्स. दिस इज़ माई फेवरेट क्लोथिंग. सो हाँ, मतलब ये जीन्स आप ले सकते हो, बट ये ऐसा नहीं है कि लॉन्ग ड्यूरेबल, लाइक इतनी नहीं चलेगी है, बट इट्स कम्फर्टेबल सो इट्स फाइन. एंड इसका प्राइस उस टाइम पे जब मैंने लिया था, इट वॉज ऑफ 878 rupees. आई डोंट नो द प्राइस राइट नाउ, बट आई ऑब्वियसली एट दिस स्टिकर हियर, लाइक उसका जो प्राइस है या फिर जो अभी उसका प्राइस और अब कितने में मिल रहा है या वट एवर. सो या, सो द नेक्स्ट आइटम इज पैंट्स, ब्लैक पैंट्स है वो. वैसे तो मतलब वीडियो में, मतलब पिक्चर मैंने जब देखा था उसके, उस पे वो मेरे को सी थ्रू नहीं दिख रही थी, बट दिस पैंट्स आर सी थ्रू अगर आप सन में रहोगे. और सन में तो इतनी गर्मी लगती है, और मतलब जब गर्मी वाला मौसम होता है ना, तो आप इसे पहन ही नहीं सकते हो. लाइक एक्चुअली यू कांट वेयर देम बिकॉज ये बहुत स्टिकी हो जाती है आपकी स्किन पर. तो ये गर्मियों के लिए नहीं है, ठंडियों में यू कैन वेयर. और ये ठंडियों में लाइक एक्चुअली रोकती भी है ठंड थोड़ी बहुत, मतलब पैरों पर. पर इसमें एक ही चीज़ है कि ये थोड़ी सी सी थ्रू है, इफ़ यू कैन सी, लाइक ये सी थ्रू है थोड़ी सी. बट अब ऑब्वियसली पहन के नहीं दिखती, बट धूप में, अगर ज़्यादा धूप में रहो या फिर कोई ऑब्वियसली फ्लैशी हो आपके ऊपर स्टूडियो लाइक या लाइट्स हो आपके ऊपर, तो ये इसमें पता चलेगा कि ऑब्वियसली इट्स सी थ्रू. बट वैसे ये पैंट्स पहनकर इतनी सुंदर और इतनी कंफर्टेबल लगती है. द ओनली प्रॉब्लम इन दिस पैंट्स आर दैट दीज आर सी थ्रू एंड शेप बनता है. इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग, देन या थोड़ा सा शेप का इसमें प्रॉब्लम रहता है. बट या दिस इज ऑल्सो हाई वेस्ट, मतलब
बेली बटन तक आता है, बट ऑब्वियसली अगर आपको झुकना हो या फिर कुछ काम कोई करना हो तो आप नहीं कर सकते इसमें। प्लस इसमें पैंट्स में पॉकेट्स नहीं है, सो आई डोंट थिंक लाइक लोग खरीदेंगे इसको बिकॉज इसमें पॉकेट नहीं है। बट द लेंथ इज गुड एंड इट्स कम्फर्टेबल, और ये ना थोड़ी वेलवेटी सा इसका मटीरियल है, प्रॉपर वेलवेट नहीं कह सकते बट इट्स रियली सॉफ्ट, सो यू कैन बाय इट। या एंड इसका प्राइस वॉज 808 rupees, सो इट्स फाइन, लाइक ज़्यादा भी नहीं है पर कम भी नहीं, इट्स फाइन, लाइक यू कैन बाय इट। सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट बोलूँ, द नेक्स्ट थिंग इज वन जीन्स जो मेरे को मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट करी थी, आरोही ने गिफ्ट करी। थैंक यू सो मच इफ यू आर वॉचिंग इट, आई नो शी इज नॉट वॉचिंग इट, बट या सो दैट जीन्स, मतलब बहुत सारी बहुत चल रही हैं जीन्स, या फिर बहुत सारे लोग तो अपनी पुरानी जीन्स से ड्रॉ करके पहन लेते हैं, बट ऑब्वियसली आई एम नॉट दैट टैलेंटेड। सो दीज आर द जीन्स, ओह माय गॉड दिस इज सो प्रिटी, इतनी सुंदर जीन्स है, लुक एट द डिटेल्स, वाओ इतनी सुंदर जीन्स है। इनका जो कलर ये है, पता चल रहा है कि ऑब्वियसली ये पेंट है, पता चल रहा है स्टिकर नहीं है, मतलब वो प्रिंट नहीं किया हुआ है, ड्रॉड ही है, किसी ने ड्रॉ ही किया है, पर इतनी प्रिटी है, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी जीन्स है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, आई डिडंट एक्सपेक्टेड कि इतनी इसकी क्वालिटी होगी, बट इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और इसकी लेंथ भी बहुत अच्छी है, लाइक आई एम 5'7" और मेरे को भी मतलब शूज़ पहनने के बाद भी नीचे फ्लोर पर टच ही हो रही होती है मेरे को, पता नहीं क्यों, पर ये बहुत लंबी है, पता नहीं 5'8" अगर वाला इंसान भी ये पहनेगा तो उसको आ जाएगी ये जीन्स। बटन्स आर नाइस, जिप आर नाइस, जिप और बटन सारे अरबानी के जीन्स में सेम होता है, सो वो मुझे बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है। प्लस इसकी पॉकेट्स काफ़ी लंबी है, लाइक एक्चुअली काफ़ी लंबी है, और इसमें ये साइड में एक छोटी सी पॉकेट भी दी हुई है, विच इज़ रियली क्यूट, जो आपको वीडियो में दिखेगा अ लिटिल फनी मोमेंट। बट या दिस जीन्स इज रियली कम्फर्टेबल, 1,432 राइट नाउ, बट द रियल प्राइस ऑफ दिस जीन्स इज आई गेस 1,700 और समथिंग, सो ऑब्वियसली इफ यू आर गेटिंग इट फ्रॉम लाइक लेस देन 1,500 तो यू हैव टू बाई दिस जीन्स, बिकॉज द क्वालिटी ऑफ दिस जीन्स एंड द हाइट ऑफ दिस जीन्स, लाइक द लेंथ ऑफ दिस जीन्स इज रियली ग्रेट। सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज ऑब्वियसली अगर जीन्स का हॉल हो तो एक रिप्ड जीन्स ना हो तो इट्स इनकम्प्लीट, सो दिस इज द ओनली रिप्ड जीन्स इन दिस हॉल, द ब्लू नॉर्मल रिप्ड जीन्स। द लेंथ ऑफ दिस जीन्स इज रियली ग्रेट, इसमें नीचे ये ऐसे है जो बहुत चल रहा है आजकल, पर्सनली आई डोंट लाइक दिस, ये जो होता है आई डोंट लाइक दिस इन अ जीन्स, बट दिस जीन्स इज रियली कम्फर्टेबल एंड रिप्ड है, मतलब इतनी भी रिप्ड नहीं है कि आपके घुटने ही बाहर दिख रहे हैं, आपकी थाइज ही पूरी पूरी दिख रही है, बट इट्स रियली कम्फर्टेबल। सो या इसकी भी हाइट अच्छी है, बटन्स जिप्स सेम है, एंड द प्राइस ऑफ दिस जीन्स इज 705 rupees, विच इज रियली ग्रेट फॉर दिस जीन्स, लाइक रिप्ड भी है, वाइड लेग भी है, हाइट भी सही है, वेस्ट से भी इसका पूरा मेजरमेंट सही होता है, तो आपको और क्या चाहिए, 700 में इससे ज़्यादा आपको कुछ मिल नहीं सकता है, एंड दिस इज रियली ग्रेट इफ यू वॉन्ट अ रिप्ड एंड वाइड लेग इन अ ब्लू जीन्स। सो एंड आई गेस इस जीन्स में कलर्स थे, लाइक इसमें अगर कलर्स थे तो आई विल मेंशन इट हियर, बट अगर इफ यू वॉन्ट अ वाइड लेग एंड रिप्ड जीन्स यू कैन लाइक यू शुड रियली गो फॉर दिस। एंड द लास्ट नॉट द लीस्ट एंड द न्यूएस्ट प्रोडक्ट, लाइक न्यूएस्ट है ये जीन सबसे ज्यादा, ओके सो दिस इज द जीन्स, ब्राउन जीन्स, ब्राउन पैंट्स इतने चल रहे हैं आजकल, इतने चल रहे हैं, मेरे पास नहीं था एक भी, ओके आई हैव टू बाय अ न्यू वाइट वन ऑल्सो, वेट आई विल जस्ट टॉक अबाउट दैट लेटर, बट दिस इज द जीन्स, ओह वाओ आई लव दिस जीन्स। इसमें साइड में ये कट आता है बाहर की साइड पे, इतना बड़ा कट नहीं है, काफ़ी छोटा सा ही कट है, इतना सा ही कट है, इतना सा ही कट है, ज़्यादा कट नहीं है, बट काफ़ी अच्छा है, नॉट गोना लाई ये जीन्स थोड़ी सी टाइट है मुझे एक्चुअली, थोड़ा सा एक्सरसाइज करना पड़ेगा मुझे, बट
द क्वालिटी वेरी नाइस, कम्फर्टेबल है बहुत ज़्यादा। इसका एक चीज़ है कि मुस्ती नहीं है इतनी जल्दी, मतलब बाकी सारी जो जीन्स है वो अगर ऑब्वियसली आप किसी बहुत टाइम तक एक ही उसमें रख लोगे तो ये वो मुस जाएगी, बट ये जीन्स मुस्ती नहीं है जितना मैंने देखा है अभी तक। सो या 1054 रुपीज़ विच आई थिंक इज़ अ गुड डील फॉर अ जीन्स। सो या एंड द लास्ट जीन्स is the one I am wearing right now, which is charcoal black color. I'll just add the video here. That's like actually really 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 good jeans, comfortable, but I don't know, thoda sa mere ko ye chubri hai inner thighs par, I don't know what is the reason, but thodi si chubri hai. Baki this jeans is really great and the price of the jeans is 1072. And I think it's great. The length of the jeans is great and everything is great. So yeah, you can go for it. Also, a little update from that white jeans. मतलब इससे पहले बहुत ही पहले था वो Urbanic Haul, I guess एक डेढ़ साल पहले का था वो Urbanic Haul. उसमें मैंने एक white jeans दिखाई थी जो उस time पर मुझे ankle length ही आती थी, but अब वो ankle से भी थोड़ी ऊपर चली गई है तो वो बहुत ही ज़्यादा shrink हो गई है। आई होप कि ये ब्राउन वाली श्रिंक ना हो, बट ऑब्वियसली वो काफ़ी मतलब काफ़ी श्रिंक हो गई है और उसकी वेस्ट भी मतलब ऑब्वियसली वो पूरी ही श्रिंक हुई है तो उसकी वेस्ट भी अब काफ़ी प्रॉब्लम रहती हूँ। ऑब्वियसली वो जीन्स तो मैं पहन नहीं सकती, बट आई एम जस्ट टेलिंग कि वो जीन्स ऐसी थी। ऑल्सो फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स आई लिंक ऑल द प्रोडक्ट्स इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो, एंड इफ़ यू वॉन्ट एनी ऑफ द प्रोडक्ट लाइक एनी ऑफ द जीन्स यू कैन रियली गो फॉर इट। प्राइज वाइज अगर थोड़ी सी कोई प्राइजी लगी जैसे द प्रिंटेड वन और द ब्राउन वन या फिर द कोवाच अगर आपको प्राइजी लग रहा है तो आई डोंट थिंक आपको उससे सस्ता कोई वॉर्ड मिल सकता है। सो या एंड दिस इज गोइंग टू बी इट फॉर टुडेज वीडियो आई गेस, एंड इफ यू एंजॉयड इट प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, एंड प्लीज़ लेट मी नो इफ आई कैन लाइक कंटिन्यू डूइंग द हॉल थिंग्स, बिकॉज One Law Garden haul is still pending. I bought a lot of stuff from Law Garden. It's a street market in Ahmedabad. So if you want to see that video, please let me know in the comment section down below. And thank you so much for watching this video. Bye. Video chal rahi hai. Kushi hai isme colors. Are yaar. मैं ये डालूँ।